हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 15 चल रहा था आज, उसके 19 सवाल हो गए थे। आज अपन सवाल नंबर 20 से शुरू करते हैं। बोला गया है कि मान लीजिए कि आप एक पास से कोई आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यद्र इच्छा रूप से गिराते हैं। मतलब एक पासा बेटा गोल, उसको एक आयताकार क्षेत्र है उसके अंदर आप गिराते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो जो 1 मीटर जो व्यास है, ये इसके अंदर एक वृत्त बना है, इसके अंदर हमारा वो पासा गिरेगा, तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो ये क्या चीज है, अच्छे से समझना बस बेटा, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर, एक आयताकार है, इसके अंदर एक वृत्त बना है जिसका व्यास है 1 मीटर। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं 1 मीटर, ओके ना। तो हमारा जो पासा है वो इस वृत्त के अंदर गिरेगा। अब वही बात, उस पासे के गिरने की हमें अनुकूल परिणाम निकाल के लाने। नॉर्मली सवालों में क्या होता है, संख्याएं होती थी तो हम गिन लेते थे इसके अनुकूल परिणाम ये 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 और इतने हो गए हैं। अब जो अनुकूल परिणाम, यहाँ गिनने से काम नहीं चलेगा। अब जो पासा हम फेंकेगा वो इस वृत्त के अंदर गिरेगा बेटा। बेटा तो वो यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी वो पासा हमारा गिर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा है। तो उस पासे के जो गिरने के अनुकूल परिणाम है वो बेटा इस वृत्त के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। तो मतलब पूरा वृत्त जो है उसका अनुकूल परिणाम है। और अगर कुल परिणाम की बात करें तो कुल जो है वो आयताकार मैदान है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज समझ आ गई है। तो पासे के वृत्त में गिरने के अनुकूल परिणाम, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये जो अनुकूल परिणाम है बेटा वो बराबर होगा वृत्त के क्षेत्रफल के, क्योंकि यहां संख्या तो है नहीं कि ये इतना जो सारा एरिया है इसी की आप बात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रही बात, यहां आर व्यास एक दे रखा है, तो रेडियस है जो त्रिज्या है वो 1/2 मीटर हो जाएगा। ओके बेटा, सीधा ही मैंने लिख दिया क्योंकि जगह नहीं दिखाई दे रही थी कि कहां लिखे। तो ये आ जाएगा आपका पाई 1/2 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई 4 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये तो आ गया अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम है वो सारा वृत्त है। तो पासे के लिए कुल परिणाम बराबर आयत है, आयत का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है आपकी 3 और चौड़ाई है 2, तो बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो पासे के नीचे, इसके नीचे आएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर लिख रहा हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको कवर हो रही है। पासे के वृत्त में गिरने प्रायिकता, तो प्रायिकता ज्ञात करने का फार्मूला अनुकूल बटा में कुल, तो अनुकूल कितना बेटा, पाई 4/5, और कुल कितना है 6 मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला बटे और नीचे वाला सीधा छेद बटे में 1 लगा दिया, तो पाई 4/5 पलट के 1/6 हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, 22/24। ओके कर लोगे, तो ये बेटा इसकी हमने प्रायिकता ज्ञात कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगा। तो ये सवाल नंबर 20 है बेटा। आगे हम करते हैं सवाल नंबर 21।
कहता है 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है, मतलब कुल है वो 144 है और 20 उनमें से खराब है और शेष अच्छे है। तो समझ गए होंगे टोटल 144 है, 20 खराब है, तो 124 अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, ऑब्वियस है, हम तो वही पेन खरीदेंगे बेटा जो ठीक हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। ये भी वही बात, उसी बात का उल्टा है, हम अच्छा पेन खरीदना ही चाहेंगे, मतलब खराब नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदर इच्छा से एक पेन निकाल कर आपको देता है, दुकानदार क्या करता है एक पेन निकाल के आपको दे देता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पेन आप खरीदेंगे, तो खरीदेंगे कौन सा पेन जो अच्छा है। तो वही बात बेटा, अच्छे पेन के खरीदने के अनुकूल परिणाम। तो अच्छे पेन कितने बेटा, 124 कुल परिणाम है 144, तो अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता तो अनुकूल बटे में कुल, तो 124 बटा 144। इसी तरह सेकंड पार्ट है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो आप बेटा नहीं खरीदोगे, कौन से नहीं खरीदोगे जो खराब है, तो खराब पेन के खरीदने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 20 और कुल 144, तो 20 बटा 144। ओके, तो ये सवाल नंबर 21 था बेटा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 पर। उदाहरण 13 को देखिए, उदाहरण 13 कहीं पीछे दे रखा बेटा, और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग और प्रायिकता आगे दे रखी है। तो मैं आपको समझाता हूं बेटा इसमें क्या है। इसमें यह बोला गया है कि जब एक साथ दो पासों को फेंका जाता है तो क्या होता है, ध्यान से देखना ये सवाल। जब एक साथ दो पासों को फेंका जाता है, जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो कितने आउटकम आते हैं, 6 आते हैं, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, 6 आ सकता है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब एक पासे को फेंका तो ये आया, हमारे पास एक और पासा है, ये पहला है ये दूसरा है, उसके ऊपर भी यही नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर भी तो यही नंबर लिखा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप सोच में ये पड़ गए होंगे, सर दो पासे फेंके जाएंगे तो 6 उस पे आ रहे, 6 इस पे आ रहे, 12 चांस बन जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ, दोनों को एक साथ फेंका जाता है, तो ऐसा हो सकता है इस पे एक आ जाए और दूसरे पे भी एक आ जाए, ऐसा हो सकता है। पर क्या ये जरूरी है कि पहले दूसरे पे एक ही आएगा, पहले पे एक दूसरे पे क्या आपका दो आ जाए, ऐसा हो सकता है पहले पे एक दूसरे पे तीन आ जाए, एक के साथ 4 आ जाए, एक के साथ 5 आ जाए, एक के साथ 6 आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए बेटा क्या कर रहे हैं। आपने इन दोनों पासों को दोनों हाथों में ले लिया, जो गिट्टी होती है हमारे पास, और दोनों को आपने फेंक दिया, हो सकता है इस पे एक आ जाए और इस पे भी एक आ जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है इस पे एक ही रहे, इस पे दो आ जाए, एक आए 3 आ जाए, एक आए 4 आ जाए, एक आए 5 आ जाए, एक आए 6 आ जाए। पर क्या जरूरी है कि इस पे हमेशा एक ही आएगा, ये भी नहीं है। तो इस पे दो आ सकता है, पर इस पे एक रह सकता है, दो दो आ सकता है, दो तीन आ सकता है, दो चार आ सकता है, दो पांच आ सकता है, दो छह आ सकता है, तीन एक आ सकता है, तीन दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, तो ये चांस बेटा बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो जब दो पासों को फेंका जाता है, जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम, तो ओके बेटा, तो कुल परिणाम ये कितने हो जाएंगे, 36। ओके, देख लो, काउंट कर लो, 6, 6, 12, 6, 18, ये 6 है और 6 लाइन है तो 18। तो ये ध्यान से देख लेना बेटा ये सवाल, तो समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। उदाहरण नंबर 13 में भी इसका जिक्र कर रखा है। तो जो पहला सवाल है वो अपा इसको समझते हैं, बोला गया घटना
दोनों पासों की संख्याओं का योग। मैं इधर बना लेता हूं, एडजस्ट ही कर रहा हूं बेटा, पूरा दिखाई नहीं देगा आपको। घटना में दो पासों का योग, और यहां इसकी ये निकाल रहा है प्रायिकता, तो जोड़ दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह। और कुछ आपको आंसर दे रखे हैं, जैसे इसका एक बटा छत्तीस दे रखा है, आठ का पांच बटा छत्तीस दे रखा है, और बारह का एक बटा छत्तीस दे रखा है। बाकी आपको पूरा करना है। तो ये कैसे पूरा करना है मैं समझाता हूँ बेटा। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बताता हूँ। लिखा मैंने घटना में दो पासों का योग, मतलब ये जो है वो दो पासे हैं, पहले पे एक और दूसरे पे, कुल मिला के दो पासे हैं। और इन दोनों का योग यहाँ देखो क्या है, एक और एक, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया दो। तो दो जोड़ कितना है देखो, किन कितने ऐसे पासे हैं जिनका जोड़ दो है। आप सारे ट्राई कर लो, जैसे इनका तीन है, इसका चार है, पांच है, छह, तो दो का आप ढूंढने जाओगे तो ये एक ही ऐसा नंबर है जिसके पासों का योग जो है वो दो है। तो एक ही अनुकूल परिणाम, और कुल कितने हैं छत्तीस, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई एक बटा छत्तीस। इसी तरह अब वो ढूंढो जिनका जोड़ तीन है, तो तीन जोड़ है दो वाला, तो ये रहा, निशान लगाते रहते हैं, जिनका जोड़ तीन है एक तो ये रहा और एक ये रहा, इनके अलावा सारे ढूंढ लेना, जोड़ तीन किसी का ही नहीं आएगा, तो दो हुए और कुल है छत्तीस, तो दो बटा छत्तीस। इसी तरह चार वाले ढूंढो, तो एक दो तीन, तो चार वाले कितने मिल जाएंगे तीन बटा छत्तीस। जिनका जोड़ पांच हो, एक दो तीन चार, ये कितने हो जाएंगे बेटा चार बटा छत्तीस। जिनका जोड़ छह हो, एक दो तीन चार पांच, तो इसका क्या हो जाएगा पांच बटा छत्तीस। जिनका जोड़ सात हो, एक दो तीन चार पांच छह, तो इसका क्या आ जाएगा छह बटा छत्तीस। अब आठ वाला देखो, इसने दे रखा है, फिर ये दोबारा ढूंढते हैं। आठ वाला एक दो तीन चार पांच, पांच आएगा तो देखो पांच बटा छत्तीस। नौ वाला एक दो तीन चार, तो इसका क्या आ जाएगा चार बटा छत्तीस। जिनका जोड़ दस हो, एक दो तीन, तो इसका क्या आएगा तीन बटा छत्तीस। जिनका जोड़ ग्यारह हो, तो वो आएगा एक दो, तो कितना आ जाएगा दो बटा छत्तीस। और बारह वाला ये एक ही है, तो एक बटा छत्तीस। ओके बेटा, तो इसको अपने को पूरा करना था, जो कि आपा ने ये किया है, और उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ भी आई होगी। आगे बेटा सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है 2 से लेके 12 तक। तो ऑब्वियस है बेटा, यहाँ सही बात है 11 ही परिणाम है, क्योंकि एक नहीं है और 12 तक है, तो एक कम हो गया तो 11 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इस बात से सहमत है, कारण सहित उत्तर दीजिए। कहता है कि ये 2 से लेके 12 तक आप गए हो ना, इन सारों की जो प्रायिकता है वो 1/11 आई है। तो क्या आपके सामने आंसर दिख रहा है, क्या सारों की प्रायिकता 1/11 ही है? बिल्कुल नहीं आई। तो इसलिए जो बच्चे ने बात बताई है वो गलत है, हम उससे असहमत है, सहमत नहीं है। तो ये बेटा आपका सवाल नंबर जो है वो 22 है। अब मैं आपको डायरेक्टली सवाल नंबर 24 करवाता हूं, क्योंकि 24 में बेटा दो पासे फेंके गए हैं और यहां वो चीज काम आ जाएगी, इसलिए दोबारा नहीं करना पड़ रहा। तो एक बार मैं डायरेक्ट आपको 24 बता रहा हूं, ठीक है। कहता है एक पासे को दो बार फेंका जाता है। बेटा एक पासे को दो बार फेंक लो या दो पासों को एक बार फेंक लो, चीज एक ही है, इसलिए आप इस बात पे कंफ्यूज मत होना। तो इसकी प्रायिकता होगी कि पांच किसी भी बार नहीं आएगा। तो देखो, जब एक पासे को दो बार फेंका जाता है तो कुल ये परिणाम आते हैं, जब एक पासे को दो बार फेंका जाता है तो परिणाम बराबर 36। ओके बेटा, ये 36 परिणाम है। तो इसके बारे में तो आप जानते हैं, 24 करवा रहा हूं डायरेक्ट। आगे बोला पांच किसी भी बार नहीं आएगा, तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पांच
पांच किसी भी बार नहीं आने के अनुकूल परिणाम। इसका मतलब है कि पांच किसी भी बार नहीं आएगा, जैसे यहां भी पांच नहीं आएगा और यहां भी पांच नहीं आएगा। समझ गए होंगे आप इसका मतलब कि दोनों के ऊपर पांच नहीं आना चाहिए, तो वो गिन लो जिनके ऊपर पांच नहीं आता है। तो देखो एक दो पांच, देखो किसी भी बार नहीं आया, तीन चार, इसको नहीं गिनना क्योंकि पांच दूसरी बार आया है, तो ये नहीं गिनना। तो पांच हो गया, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ये नहीं गिनने क्योंकि ये सारों के पांच आया हुआ है। इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, तो कितने आ जाएंगे, पच्चीस। तो अब हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है बेटा, इस बात की पूरी बात आप लिख देना। तो अनुकूल परिणाम है 25 और कुल है 36, तो क्या आंसर आ जाएगा, 25/36। तो ये है पहला भाग। आगे बोला पांच कम से कम एक बार आएगा। अब कहता है पांच है ना, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो पांच के कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम, भी पांच कम से कम एक बार तो होना चाहिए। तो सीधी सी बात बेटा, पांच वाले गिन लो। तो पांच वाले गिने तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो यहां तो दो बार आया हुआ है, तो मतलब एक बार तो है यहां पे भी, तो ये गिनना है बेटा। तो ये हो गए नौ दस ग्यारह, तो कितने हो जाएंगे, ग्यारह। तो इसकी प्रायिकता है वो अनुकूल बटे में कुल, तो ग्यारह बटा 36। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। और ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में बना है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप करोगे। ये सवाल नंबर 24 इसलिए करवाया था कि बेटा ये काम आ गया, वरना ये दोबारा बनाना पड़ता, टाइम लगता है इस पे। अब सवाल नंबर वापिस 23 पे आते हैं। कहते हैं एक सिक्के के, सॉरी एक खेल में एक रुपए के सिक्के को तीन बार उछाला जाता है। बेटा एक रुपए का सिक्का, उसको तीन बार उछाला गया और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, जो प्रत्येक बार जो भी चांस आएगा उसको लिख लिया जाएगा। तीनों परिणाम समान रहने पर, अर्थात तीन चित या तीन पट आने पर हनीफ खेल जीत जाता है। तो ये कहता है कि तीन चित या तीन पट, मतलब तीन हेड या तीन टेल आ जाए, मतलब तीनों एक जैसे आ जाए, तो हनीफ है वो खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। मतलब तीनों सेम रहेंगे तो हार जाएगा, सॉरी तीनों सेम पे वो जीत जाएगा, और तीनों अलग अगर सेम ना हो तो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा आपको एक तरीका बताता हूं, जब सिक्के को एक बार फेंका जाता है ना, या तो हेड आता है या टेल आता है, ओके। और जब दो बार फेंका जाता है तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे क्या पता टेल आ जाए, पहले पे हेड बाद में टेल आ जाए, और पहले पे टेल बाद में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। यहां सिक्का एक बार उछला है, यहां सिक्का दो बार उछला है, चाहे दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए चाहे एक सिक्के को दो बार, ये एक ही बात है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बात बोली जाती है। अब बात आई तीसरी, सिक्के तीन बार उछल रहे, तो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है पहले दो पे हेड आए बाद में टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, और ऐसा हो सकता है पहले हेड आए बाद में दोनों ही टेल आ जाए। क्या पता तीनों पे टेल आ जाए, क्या पता पहले दो टेल आए बाद में हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए और टेल हेड हेड आ जाए। तो कुल मिला के ये आठ बन जाते हैं, दो दो चार दो छह दो आठ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई है, ये चीज एग्जांपल करेंगे तब भी दोबारा आएगी, और ये आपको बताने भी जरूरी थी, इसी हिसाब से मैंने बताई है कि जब सिक्के को फेंका जाता है तो क्या होता है। तो दोबारा और बताता हूं मैं, सवाल नंबर 23, जब एक सिक्के को तीन बार फेंका जाता है तो परिणाम, ठीक बेटा, तो
हो सकते हैं तीनों एच आ जाए, हो सकता है पहले दो एच बाद में टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, तीनों टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, तो कुल परिणाम तो तीनों समान रहने पर हनीफ खेल जीत जाता है और तीनों अलग आने पर वो हार जाता है। तो यहां देखो इन दोनों केस में तीनों समान है, एच 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 टी टी टी, यहां तो खेल जीत रहा है औरों पे वो हार रहा है, तो हमें हार जानने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तीनों परिणाम, तीनों परिणाम अलग अलग आने के अनुकूल परिणाम, तीनों जो परिणाम है उनके अलग अलग आने के अनुकूल परिणाम, तो अलग अलग आने का एक दो तीन चार पांच छ, कितने होगी बेटा छ हो गए, और कुल परिणाम कितने हैं आठ। तो तीनों परिणाम अलग अलग आने के प्रायिकता, तो अनुकूल बटे में कुल, तो अनुकूल है छह और कुल है आठ, तो दो पे घटा तीन और ये चार, तो क्या आंसर आ गया तीन बटा चार। तो ये आपका सवाल नंबर 23 है, ये भी एक दो बार बेटा पेपर में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है, जैसे तीनों परिणाम अलग अलग आने का सवाल पूछा, तीनों परिणाम समान आने का पूछ सकता है, तो समान आने के कितने चांस हो जाते हैं दो, और दो बटा आठ उसका आंसर आ जाता। तो ये था बेटा सवाल नंबर 23। आगे है सवाल नंबर 25 जो कि सत्य और असत्य वाला है, जो कि बेटा आपको अपने आप करना है और इतना कोई मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आपने ये पूरी एक्सरसाइज को ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर जाओगे। और फिर भी एक ऑप्शन आपको देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन ना हुआ तो बेटा बता देना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूंगा। ओके बेटा, तो आज हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है, कल आप इसके जो उदाहरण है वो स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, कर लोगे तो आज 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, और इसके साथ ही अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए वर्क थोड़ा ही दिया जाता है क्योंकि रिवीजन भी साथ साथ करनी है। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है, आज हमें 2.3 करनी है। तो आज एक्सरसाइज 2.3 के आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, पहले के भी तीन पार्ट है और दूसरे के भी तीन पार्ट है, तो कुल मिला के तो ये छह पार्ट हो गए हैं। तो आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है अच्छे से, और जो आपको चैप्टर नंबर 15 चल रहा है उसको अपनी फिर कॉपी पे करते रहिए बेटा, और पहले एक्सरसाइज खत्म करते हैं और फिर उसके बाद एग्जांपल करते हैं। ओके, थैंक यू। और चैनल को अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, कई बार मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होता है तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी क्लास की कोई वीडियो है, तो इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।